तो हैप्पी योगा डे। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी बस कबीर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा हबड़ा दबड़ी मची हुई है। कबीर गया है नहाने, तो अभी जल्दी जल्दी उसकी क्लास स्टार्ट कराते हैं। और आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो हैप्पी योगा डे। तो आज कबीर को भी उसकी जो टीचर हैं वो आज योगा करवाने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं उसका योगा कैसे होता है और दिन कैसे शुरू होता है। तो आगे मिलते हैं। गाइस, अभी दोपहर हो रही है और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का, और कबीर को आ रही है बहुत नींद, तो मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने भी अभी बात लिया है और बस बात लेकर ही निकली थी, तो मैंने कहा थोड़े से मेरे बाल ड्राई हो जाएं तो मैं फटाफट से इसको सुलाती हूँ। तो अब इसको मैं सुलाऊंगी। और इसका योगा बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत फ़न किया इसने, आपने देखा होगा। और चलिए बस अब मैं इसको सुला देती हूँ, क्योंकि खाना पीना हमारा हो चुका है, फिर शाम में इसका थोड़ा होमवर्क वगैरह करवाना है। आज मैं इसे नीचे लेके नहीं जाऊँगी इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि मेरे को ब्लैक में फिर से पेन आ रहा है, तो नहीं मैं लेके जाऊँगी। तो आज इसको अच्छे से रेस्ट करा कर, क्योंकि रात बहुत लेट हो गया था और फिर आके मुझे एडिटिंग भी करनी थी, तो मैंने एडिटिंग करी, तो हम लोग 3-4 बजे सोए हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। तो अभी बस इसको भी रेस्ट कराऊंगी, फिर इसका होमवर्क कराऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। वेरी गुड, कब बनाओ कब बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस, एंड वेरी नाइस। वेरी गुड, नेक्स्ट बनाओ। स्लीपिंग लाइन, वेरी नाइस, नेक्स्ट बनाओ। सो गाइस, शाम हो गई है और अभी कबीर ने किया अपना थोड़ा सा होमवर्क, तो वो मैंने उसको होमवर्क करा दिया, वो भी ख़त्म हो गया इसका। और अभी बस जाते हैं डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ आलू की भाजी, मतलब जो लंगर में बेसिकली होती ना आलू की सब्ज़ी, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी भाजी बनाना, आलू की भाजी बनाना। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस मैंने टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च ली है और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, और इन तीनों को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है जैसे आप देख रहे हो। और उसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें जीरा और हींग डाला है, और उसके बाद मैंने अपने पेस्ट को उसमें डाल दिया है और उसको फिर अच्छे से मैंने हिलाया है। देन उसमें फिर मैंने अपने सारे मसाले डाले हैं, जो भी हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं, आपका धनिया पाउडर और आपका हल्दी और देगी मिर्च। एक्चुअली यहाँ पे मैंने देगी मिर्च यूज़ करी है, क्योंकि देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है और वो बहुत स्पाइसी भी नहीं होती, तो मैं जनरली देगी मिर्च यूज़ करती हूँ। और मैंने नमक भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि वो जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। तो ये सारे मैंने मसाले इसमें डाले हैं और फिर मैंने इनको अच्छे से भूना है, और इनको थोड़ी देर तक आपको चलाते रहना है कि जब तक ये अच्छे से ऑयल छोड़ने ना लगे। अब बारी आती है मेरे की इंग्रेडिएंट की, जो है बेसन। तो मैंने इसमें 1/2 स्पून के करीब बेसन डाला है, जिससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता, कुछ टेस्ट मतलब ऐसे टेस्ट अलग नहीं होता। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है पाव भाजी का मसाला 1 चम्मच, और अच्छे से उस, और जब आपका मसाला थोड़ा सा थिक हो जाए तब आप उसमें पानी ऐड करिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर विश। उसके बाद मैंने इसमें आलूओं को मैश किया है, जो बॉयल आलू थे, और बहुत अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें डाला है सूखी मेथी, जो बहुत अच्छा खुशबू देती है। और उसके बाद इसको बस अच्छे से बॉयल करना है और आपकी जो सब्ज़ी है, जो भाजी है, वो बिल्कुल रेडी है। सो हम लोग का डिनर हो चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई ज़रूर करना, सच में यम थी, बहुत सच टेस्टी बनती है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना,
और जैसे लिटरली लंगर वाली जो सब्जी होती है ना वो मतलब उस तरीके की होती है। और इसलिए अगर हमें कभी प्याज वाली सब्जी नहीं बनानी है घर में, कोई पूजा है या कुछ ऐसा ओकेजन है कि हमें प्याज नहीं डालना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। पूड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, राइस के साथ भी आप खा सकते हो। मैं नहीं खाता राइस। ओके, अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग। कल फिर मिलते हैं 10 बजे सेम टाइम पर। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए। तो तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है? एंड से गुड नाइट, गुड नाइट, तो बाय।